हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विशाल शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का जानने वाले हैं। रिटर्न, शेयर होल्डिंग्स, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग रिटर्न्स पे। तो आ चुके फ्रेंड हम लोग रिटर्न पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस कहीं भी आपको ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, सिवाय इसके, ठीक है। और ये एक अप की ओर मूवमेंट दिखाते हुए अब लग रहा है कि ये मल्टीबैगर बनेगा, ये पहले की तरह हो जाएगा। तो वो क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। मगर रिटर्न्स आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब है। 5 साल का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और देखिए, 5 साल का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे लॉस लॉस और लॉस है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके प्रमोटर होल्डिंग्स पे पहले। तो आ चुके फ्रेंड हम लोग होल्डिंग पे। होल्डिंग की बात करें तो देखिए 69% का होल्डिंग है प्रमोटर के पास। पब्लिक के पास 26.59% की होल्डिंग है। अदर होल्डिंग 0.01% की है और FII की होल्डिंग 4.4% की है, ठीक है फ्रेंड। तो प्रमोटर होल्डिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये मल्टीबैगर बन सकता है, तो वो मैं आपको चार्ट में चल के अभी दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई बाय या सेल का सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, लॉस आपका होगा, तो लास्ट डिसीजन भी आपको लेना है। मैं बस अपना स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपना एनालाइज करके देख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो अब चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। तो फ्रेंड आ चुके हैं अब हम लोग चार्ट पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं डे कैंडल जो पिछला जो चार्ट था वो कितना बड़ा यहाँ पे रेड बना था, और एक जो ग्रीन बना है वो लगभग इसको पूरा कंप्लीट करने ही वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको शॉर्ट टर्म पे आपको इसका टारगेट बताने जा रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पे जो है इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। सेकंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 17 रुपये 25 पैसे का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 18 रुपये 85 पैसे का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 15 रुपये 75 पैसे का। इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 14 रुपये 70 पैसे का। इसमें मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म पर। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने क्यों बोला कि ये मल्टीबैगर बनेगा, तो आप यहाँ देख लीजिए, इस लाइन से ही ये बार बार ऊपर गया है, ठीक है। ये इसके तीनों लाइन है, मतलब ये 50 तक का टारगेट जाने का क्षमता रखता है। मेरे लाइन सीधे नहीं हुए है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं लॉन्ग टर्म पे इसका टारगेट बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 29 रुपये का। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 40 रुपये का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 60 रुपये का। और इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ एक रखा है फ्रेंड मैंने, और वो है 9 रुपया 75 पैसा, ठीक है फ्रेंड, एक ही स्टॉप लॉस है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड फंडामेंटल्स पे, ठीक है। उसमें हम लोग ओवरव्यू, इवेंट और न्यूज़ वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 52 वीक का जो इसका हाई है वो है 29 रुपये 90 पैसा, 90 पैसा का। 52 वीक का लो जो है 14 रुपये 20 पैसा है। मार्केट कैप की बात करें 299 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की बात करें 31.47 के इसके पास शेयर होल्डर्स है, और ईयरली और मंथली रिटर्न देखिए नेगेटिव है, ठीक है। और मैंने ग्राफ से आपको दिखा दिया है कि ये मुझे एक पॉजिटिव सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे इसके, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग एक बार इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स की बात करें फ्रेंड, तो 2023 में इसका कोई भी इवेंट्स नहीं हुआ है अभी तक, और देखिए 22 का है मार्च का, तो
टू इज टू वन मतलब 2:1 का इसने बोनस इशू किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2021 में इसने डिविडेंड दिया है अगस्त में, फिर फरवरी में भी दिया हुआ है, 2016 में भी बोनस है, ठीक है। तो इस हम लोग देख चुके हैं, अब चलिए एक बार न्यूज़ को भी देखते हैं। न्यूज़ की बात करें फ्रेंड तो 2 वीक पुराना है, इसमें लिखा हुआ है विशाल फैब्रिक स्टैंड लोन जून 2023 नेट सेल एट ₹328.20 करोड़ डाउन 25.76%। मतलब कि इसने 2023 में इतने करोड़ का सेल किया है और लगातार हर साल 25% से ज़्यादा का घाटा शो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आशा कर रहा हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।